दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैंने इस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक बैनर एडिटिंग किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैंने अपना एक फ़ोटो लगाकर और अपना नाम डालकर और इस तरह का बैनर तैयार किया है और अपलोड किया है। तो आप भी इस तरह का बैनर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाम आपको डाल देना है और यहाँ पर फोटो डाल देना है। तो ये वाला जो है बैनर कैसे आपको मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है आर्या भाविया हिंदुस्तानी। आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है मेरा बैनर आपको दिख जाएगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। आप यहाँ से इसको जो है डाउनलोड करके और यहाँ पर अपना फ़ोटो और नाम डाल के और आप भी 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपना फ़ोटो लगाकर इस तरह का बैनर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह का बैनर कैसे एडिटिंग किया जाता है, नाम और फोटो कैसे डाला जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही नॉलेज से भरी होने वाली है। आप लोग भी इस तरह का बैनर एडिटिंग कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो आपके सामने में कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं पिक्सल लैब। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख पाएंगे आपको चौथे नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, एक ये है, दो, उसके बाद तीन और ये चार, चार नंबर पे मिलेगा ये लेयर जैसा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रॉम गैलरी। तो सिंपली आपको फ्रॉम गैलरी कर देना है और वो जो आप डाउनलोड करके रखेंगे तो वो आपके गैलरी में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो गैलरी से ले लेना है। तो चलिए मैं अपने गैलरी से ये ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये हमारा बैनर आ चुका है, देख सकते हैं। अब ये नाम वाला यहाँ पर पहले से ही टेक्स्ट आ जाएगा, देख सकते हैं, या फिर ये प्लस पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करके आप नाम लिख सकते हैं। चलिए हम नाम भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो मेरा नाम जैसा कि राजीव है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राजीव कुमार। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अपने हिसाब से फॉन्ट स्टाइल डाल देंगे। फॉन्ट स्टाइल डालने के लिए यहाँ पर जो ए का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, फॉन्ट पे क्लिक करके उसके बाद स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट में और यहाँ पर ए बी का है ऑप्शन फॉन्ट, इस पर क्लिक करके हम अपना फॉन्ट स्टाइल एक ले लेते हैं। चलिए हम ये वाला ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया। अब इसका साइज भी छोटा कर देते हैं, साइज पे क्लिक करके और इस तरह से हम छोटा भी कर देंगे, देख सकते हैं। उसके बाद पीछे जो है थोड़ा ब्लैक दे देते हैं, स्क्रॉल करके स्ट्रोक पे जाएंगे और इनेबल कर देंगे और इसको 10 रख देंगे। तो 10 इसको कर दिया है, देख सकते हैं थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन है, लेयर पे क्लिक करके हम जो है इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया। अब फोटो डालना है, फोटो डालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद एक PNG फ़ोटो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो चलिए हम अपना फ़ोटो एक यहाँ पर डाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हम इस साइड से घुमा लेते हैं, यहाँ पर ये इधर से घुमाने का है, रोटेट है, आप जो भी ऑप्शन क्लिक करेंगे ये घूमते चला जाएगा, देख सकते हैं घुमा लिया है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा करके एडजस्ट करते हैं, फ़ोटो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो फ़ोटो को कटिंग करने के लिए हम फ़ोटो पर क्लिक करके और ये थर्ड वाला जो नंबर है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे और क्रॉप पे जाएंगे और फ़ोटो हम थोड़ा साइड से कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी डाल दिया है, देख सकते हैं। आप ऊपर भी दे सकते हैं हरा के ऊपर, तो यहाँ पर खाली जगह है तो मैं नीचे से ही ले देता हूँ, बस हो गया। अब लेयर पे क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे, देख सकते हैं फ़ोटो भी लग गया, नाम भी हो गया। और उसके बाद अब इसको सेव करना है, इस बैनर को यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज इमेज पे जाएंगे नीचे और यहाँ पर JPG है तो इस पर PNG हम क्लिक कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पर हम अल्ट्रा क्लिक कर लेंगे और उसके बाद सेव टू गैलरी कर देंगे। तो हाई क्वालिटी में आपका जो है ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप जो है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इस तरह का बैनर एडिटिंग कर पाएंगे बहुत ही आसानी से 2 मिनट के अंदर फोटो और नाम लगाकर। तो जाइए आप भी इंस्टाग्राम पर, मेरा आईडी आप सर्च कर लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आर्या भाविया हिंदुस्तानी, देख सकते हैं ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ पर आपको फ़ोटो मिल जाएगा, बैनर मिल जाएगा, आप इस बैनर को डाउनलोड करके और काइन मास्टर या फिर पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। अगर आप समझ नहीं पाए तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, कैसे कैसे मैंने नाम और फोटो डाला है, और आप सीख जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।